हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज पूनम चौबे। आई एम फ्रॉम आईटी डिपार्टमेंट फ्रॉम द एसआईआईटी कॉलेज। हियर वी विल लर्न अबाउट द प्रोग्रामिंग इन एंड्रॉइड। सो इन टुडेज लेक्चर आई विल गिव यू द बेसिक नॉलेज अबाउट द एंड्रॉइड प्रोग्रामिंग। सो हियर कैन वी स्टार्ट। So now this session we will start about the next topic. We have learned about the topics which you are seeing in the slide. So we will see here about the features of the Android and their descriptions. No? So यू ऑल आर नो वॉट अबाउट द फीचर्स। फीचर्स मीन्स होता है किसी भी चीज का सामने जो भी आपको उसकी क्वालिटीज दिख रही हैं। वॉट आर द फीचर्स, वॉट आर द मेन की पॉइंट्स, वॉट आर द मेन क्वालिटीज जो कि यूजर को अट्रैक्ट करती हैं। ओके, द क्वालिटीज एंड द कंपोनेंट्स विच अट्रैक्ट द यूजर ऑफ द कंप्यूटर, इट इज कॉल्ड द फीचर्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। फीचर्स डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, डिफरेंट चीजों के फीचर्स हो सकते हैं। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम का फीचर्स अलग होता है एंड किसी भी लैंग्वेज के फीचर्स अलग होते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे बेसिकली, हियर वी ऑल आर रीडिंग अबाउट द एंड्रॉइड प्रोग्रामिंग। सो वी विल सी अबाउट द फीचर्स एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एंड्रॉइड प्रोग्रामिंग। सो In the features, we will see the points. First is called the beautiful UI. The UI means the user interface. The interface by which user interact is called the user interface. जैसे कि आपकी, for example, आपका मोबाइल स्क्रीन, उसमें जो वॉलपेपर सेट है वो एक यूजर इंटरफेस है जो कि यूजर को इंटरेक्ट हो रहा है। जब आप मोबाइल को टच कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्या दिखेगा? यू विल सी फर्स्ट ऑफ ऑल द वॉलपेपर ऑफ द मोबाइल। दिस कॉल्ड द यूजर इंटरफेस ऑफ मोबाइल सिस्टम, ऑफ योर मोबाइल, है ना। तो ब्यूटीफुल यूआई मींस एक ब्यूटीफुल यूआई यूजर इंटरफेस प्रोवाइड कराता है एंड्रॉइड सिस्टम। द एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक स्क्रीन प्रोवाइड्स अ ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव यूजर इंटरफेस, है ना। एंड्रॉइड में बहुत सारे ऐसे वॉलपेपर्स आपको मिलेंगे, बहुत सारे बहुत ही सुंदर सुंदर ऐसे फीचर्स दिखेंगे वॉलपेपर्स में जो आपको अट्रैक्ट करेंगे। क्या तो आप अपने मोबाइल सिस्टम को जब अपडेट करते हैं तो आपको कुछ न्यू वॉलपेपर्स अपडेट हो जाते हैं, है ना। तो वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द यूजर इंटरफेस क्वालिटी ऑफ, ब्यूटीफुल यूजर इंटरफेस क्वालिटी ऑफ एंड्रॉइड प्रोग्रामिंग सिस्टम। ओके, नेक्स्ट इज कॉल्ड द स्टोरेज। Storage is the very important part of any system or device or the mobile system. Storage क्या होता है? The storage is basically used for the collection of database or other things. ये for the example image, videos, songs, etc. इन सब के लिए क्या चाहिए है? Storage. Storage power. So SQLite is basically the storage example. SQLite is a lightweight relational database is used for the data storage purpose. ये क्या बोलना चाह रहा है कि basically when we will read about the architecture of the Android programming, then we will see a part. It is called the SQLite. SQLite is a storage database part of Android programming which store the database and which stores the information. Like video, audio and etc. Okay, so SQLite क्या होता है? SQLite is a lightweight relational database. It is used for the data storage purpose. जैसा कि आपको definition बता रहा है, same इसका एक simple काम है कि ये data storage purpose के लिए use होता है। चाहे आपको video data हो, audio data हो आपके mobile का, आपकी कोई images हो, आपका कोई excel sheet हो, आपकी कोई कोई भी शीट हो, कोई भी प्रोग्रामिंग, कुछ भी आप स्टोर कर रहे हो मोबाइल पे, वो SQLite पे स्टोर हो जाएगा इफ योर मोबाइल सपोर्ट्स द एंड्रॉइड डिवाइस। ओके, या इफ यू हैव यूज्ड योर
Android phone. Next is called the messaging, SMS and MMS. Okay, SMS and MMS सबको पता है. Okay, SMS में हम text message send करते हैं, MMS में हम video content send कर सकते हैं. This is called the MMS. Okay, तो ये SMS और MMS की जो benefit है वो भी Android में features में आपको provide होती है ना. इसके बाद आता है multitasking. This is the really and true a big features of the Android programming system, because the multitasking is very important for any device or any tablet or any mobile phone. जैसे कि example, for example, class में 30 बच्चे हैं और यदि आपके teacher को उन 30 बच्चों में से कोई एक ऐसा लड़का है या कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि एक ही टाइम पे बहुत सारे वर्क कंप्लीट करके दे सकता है, वो असाइनमेंट भी कंप्लीट कर देगा, वो उसी दिन टीचर का कोई दिया हुआ काम भी कर देगा, वो बच्चों की अटेंडेंस भी कंपाइल कर देगा. यदि कोई ऐसा स्टूडेंट टीचर को मिलता है सपोज जो कि बहुत सारे काम एक दिन में ही उसको पूरे करके डेडलाइन पे दे दे, तो दिस कॉल्ड द मल्टीटास्किंग क्वालिटी ऑफ दैट स्टूडेंट. सो मल्टीटास्किंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है. यदि ऐसा क्वालिटी आप किसी में देखते हो, इसी स्टूडेंट में या किसी सिस्टम पे, तो क्या होगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, है ना, मल्टीटास्किंग को देख के. ऐसा है तो मल्टीटास्किंग यूज होता है बेसिकली टू डू द वर्क, डिफरेंट वर्क इन डिफरेंट टाइम्स. ओके, मल्टीटास्किंग इज यूज्ड टू डू वर्क इन डिफरेंट टाइम्स ऑफ डिफरेंट वर्क. एक ही वर्क को या बहुत सारे वर्क्स को अलग अलग जगहों पे परफॉर्म करने को बोलते हैं मल्टी टास्किंग. ओके, सो यूजर कैन जंप फ्रॉम वन टास्क टू अनदर एंड सेम टाइम वेरियस एप्लीकेशन कैन रन साइमल्टेनियसली. फॉर द डेफिनेशन वी कैन नो इजीली अबाउट द मल्टी टास्किंग फीचर्स. क्या बोल रहा है, फॉर एग्जाम्पल इन योर सिस्टम और इन योर मोबाइल फोन और योर टैबलेट, आप देख सकते हैं कि जब आप कोई भी जूम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, यदि ऑन दैट टाइम आपके पास कोई कॉल आता है तो आप उसको दैट टाइम बैक जाके रिसीव कर सकते हैं, है ना. इससे आपकी जूम मीटिंग क्लोज नहीं होती है, वो म्यूट हो जाती है. एंड इन द सेम टाइम यदि आपके व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आ रहा है तो आप मीटिंग के साथ बैक होके उस मैसेज का रिप्लाई कर सकते हो. तो ये तीन काम आप एक ही टाइम पे कर सकते हो. दैट इज कॉल्ड द मल्टी टास्किंग ऑफ द सिस्टम. ये सब किसके अंदर आएगा, मल्टीटास्किंग के अंदर. सेम ऐसे ही आप सिस्टम पे भी कर सकते हो, गाने भी सुन सकते हो, वीडियो भी ओपन कर सकते हो, सेम टाइम आप एक्सेल शीट में कोई वर्क भी कर सकते हो. दिस इज कॉल्ड द मल्टीटास्किंग फीचर्स ऑफ एनी एंड्रॉइड सिस्टम. सो ऑन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल सी सम एनी अदर फीचर्स ऑफ द एंड्रॉइड प्रोग्रामिंग सिस्टम. So here we have learned about the basic knowledge of Android programming. So stay tuned and keep learning with the SIRT Bhopal. Stay safe, stay healthy, and thank you so much.